अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तस्लीम अहमद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तस्लीम अहमद सिविल वर्क। जामा मस्जिद मदीना इब्राहिम हैदरी में फर्स्ट फ्लोर का काम स्टार्ट हो गया और ऊपर के ये कॉलम वगैरह हम लोग खड़े कर रहे हैं और ये फ्रंट के मेन कॉलम है जो इनका साइज़ 2 फिट बाई 2 फिट का है। इसमें भी जो है ना ट्रिपल रिंग इस्तेमाल किए गए हैं 3/8 के और इसमें जो बार है मेन बार वो 16 जो है ना बार है 16। हेवी स्ट्रक्चर, आप लोग भी अगर अच्छा अगर बजट रखते हैं घर बनाने में तो रिंग जो है आप 3/8 के ही जो है ना इस्तेमाल करें। डिटेल में अभी आपको देता हूँ कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें देखिए माशाल्लाह से हेवी स्ट्रक्चर बन रहा है। 3 सूट के जो है ना रिंग इस्तेमाल किए हैं इसमें, 5/8 की 12 जो है ना इसमें बार है मेन बार कॉलम के अंदर और 3/8 के ट्रिपल रिंग है। एक रिंग ये है, एक रिंग ये है और एक ये सेंटर में अंदर अलग से रिंग है। तो बताने का मकसद ये है कि मस्जिद का माशाल्लाह से हेवी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और थोड़ी सी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ स्टील के बारे में। ये जो हमारा 3/8 का सरिया है इसमें इसको रिंग में मैं इस्तेमाल करने के लिए आपको एडवाइस करता हूँ और इसमें और 2 सूत के सरिये में जो है इतना ख़ास कोई डिफरेंस आता नहीं है। ये 1 किलो में बनता है 6 फीट तकरीबन और वो जो 2 सूत का सरिया है जिसके नॉर्मल हम घरों में रिंग बनाते हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको बताया था वो तकरीबन 9 फीट बनता है 1 किलो में। ये 6 फीट बनता है, वो 9 फीट बनता है और ये 5 फुट वाला जो है जो हम लोग इसमें बार इस्तेमाल कर रहे हैं ये 1 किलो में 2 फीट बनता है तकरीबन। और जो 4 सूत का सरिया है जो हमने इस कॉलम में इस्तेमाल किया है जो ऊपर के हमारे फर्स्ट फ्लोर में 2 सिर्फ कॉलम जो है हमारे ये इनमें 4 सूत का सरिया जो है ड्राइंग के हिसाब से हमने इस्तेमाल किया ये बनता है 1 किलो में तकरीबन 3.25 फीट। ये बनता है 2 फीट और ये 3 सूत वाला बनता है 6 फीट और 2 सूत का सरिया जो है 9 फीट बनता है। तो मेरा आप लोगों से मशवरा यही है कि आप अपने घर के बजट में थोड़ा सा गुंजाइश करके अपने कॉलम्स के और बीम के रिंग जो है 3/8 के ही बनवाएं। भले बाहर आप ये 4 सूत की भी इस्तेमाल करते हैं तो रिंग लेकिन जो है ना 3/8 का रिंग इस्तेमाल करें। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि सिंगल ही रिंग होता है, यहाँ से लेके पूरा एक ही रिंग के अंदर जो है बार बंधी हुई होती हैं, लेकिन ये काम हेवी है। मस्जिद का हेवी स्ट्रक्चर तैयार है, इसमें जो है ड्राइंग के हिसाब से जहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड उसने इंजीनियर ने की है उस तरह से हम लोगों ने इसमें रिंग डाले हैं। तो ये डबल रिंग है, इसमें जाहिर सी बात है डबल मजबूती है। एक रिंग यहाँ से सेंटर तक आया, सेंटर से दूसरा रिंग यहाँ पे आया। ये सेंटर वाले कॉलम जो है ड्राइंग के हिसाब से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ड्राइंग में जो है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो है ना 5/8 के बाद इसमें थी, ऊपर जो है ड्राइंग के हिसाब से इसमें बाहर जो है 4/8 की कर दी गई है, यानी आधे के सरिये की 4 सूट वाली। लेकिन रिंग भी इसमें जो है 3/8 का ही इस्तेमाल किया है और डबल रिंग जो है ना इसमें इस्तेमाल किया है। ये हमारे नूरू भाई हैं उस्ताद सरिये वाले। ये अली भाई है हमारे सरिये वाले, ये दोनों इसके कारीगर हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और आइंदा मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।